बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू साइकोलॉजी हब। जेंडर इशू इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी 512 की हम बातें कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में, बेसिकली हमने वुमन्स और मैन को जो इशू होते हैं एजुकेशन के, जब वो एजुकेशन हासिल करने जाते हैं या फिर स्कूल्स में या फिर एजुकेशन के हुसूल में उन्हें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने वो देखी थी। आज हम ये देखने जा रहे हैं जेंडर वर्क एंड वुमन एम्पावरमेंट क्या चीज है। लेसन नंबर 26 है। होप सो आपको पिछले समझ आ रहे हो, क्योंकि ईद आ गई थी और थोड़ी मेरी ईद से पहले मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, इसी वजह से लेक्चर्स को थोड़ा सा स्टॉप लग गया था। फिर GDBs भी थी और काफी हेक्टिक सिचुएशन थी मेरे लिए भी, तो थोड़े से दिनों के लिए मैं लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, लेकिन अब अगेन से मैं आ गई हूँ और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन सब को लेक्चर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। सो फार वी हैव बीन प्राइमली डिस्कसिंग जेंडर डिफरेंस एंड सम एक्सटेंट सिमिलरिटी बिटवीन जेंडर्स। वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ जेंडर, द सोशल वेरिएबल्स, स्टीरियोटाइप दैट लीड टू अ जेंडर डिस्पेरिटी, द डिफरेंस एज वेल एज सिमिलैरिटी इन पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इमोशनल, द रोल ऑफ अ मेडिकल एंड द मेडियल इन प्रोमोटिंग and strengthening conventional gender roles was also discussed. We also look into the nature and a cause of educational deprivation and a barrier of a female access of to education. ये सारी वो चीजें लिखी हुई हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने को क्या देखना है। But from now we will shift our focus a bit. We will see how the societal attitude, beliefs about and women's status in the society is generally affect different females' abilities, aspects of woman life, the social, psychologically, economics and health related aspects. Before beginning our discussion on a gender and work, let us go through a few cases that may call them stories. अच्छा, हम यहाँ पे कुछ केसेस दिखाने जा रहे हैं, फिर इन केसेस के बारे में आगे भी बात होगी। सबसे पहला जो केस है वो इधर देखते हैं, ये है केस नंबर 1। समीना इज अ 12-year-old bright girl belonging to a middle class family. She went to school for 5 years, always topping the list of a successful student. After class 5, her father decided that she will not be going to school anymore. Shamin being a child protested by crying, begging, but no one listened to her. Now she stay home and assist her mother in household chores and look after her two younger siblings. ये जो केस है ये बहुत ही कॉमन सा केस है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत देखा जा सकता है। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें अर्ली एजुकेशन जब वो स्टार्ट ही करती हैं अभी डिवेलप करना, तो उन्हें छुड़वा दी जाती है। नंबर केस 2 की तरफ चलते हैं। साइमा डिड हर मास्टर्स इन फिजिक्स, शी वाज अ स्कॉलरशिप होल्डर थ्रू आउट हर कैरियर, नेवर अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स। शी वांट टू वर्क इन हर यूनिवर्सिटी वेयर शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब, बट द फैमिली डजंट एग्री, ऑल्दो दे आर नॉट अगेंस्ट द आइडिया। द फैमिली बिलीव्स दैट इफ साइमा स्टार्ट वर्किंग, देयर डिस्टेंट फैमिली एंड नेबर विल थिंक दैट शी इज अर्निंग फॉर देम, बिसाइड शी विल नॉट एबल टू गेट एन अप्रोप्रिएट मैच विद इक्वल स्टेटस इन देयर मॉडरेटरी एजुकेटेड क्लास। अब जो सेकंड केस है वो ये कह रहा है कि एक लड़की है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है और वो स्कॉलरशिप पे ही उसने सारी पढ़ाई की है, कभी बर्डन नहीं बनी। अब उसे एक जॉब ऑफर हुई है, लेकिन उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स सिर्फ उस वजह से उसे इजाजत नहीं देंगे कि सोसाइटी कहेगी कि ये अपने माँ बाप को कमाकर खिला रही है, फिर इस तरह लड़की को अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केसेस, केस नंबर 3। सायरा इज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। शी गॉट मैरिड टू अ बिजनेसमैन। सून आफ्टर हर मैरिज द हस्बैंड एंड द इन लॉज प्रोहिबिटेड हर फ्रॉम ज्वाइनिंग ड्यूटी। दे हैड इनिशियली शोन ऑन सच इंटेंशन। सायरा प्रोटेस्टेड बट हर पेरेंट डिड नॉट सपोर्ट हर। नाउ शी इज एट होम एट ऑल टाइम लुकिंग आफ्टर हर हाउस होल्ड। ये भी एक बहुत ही कॉमन सा केस है जो कि काफी देखा जा सके, पढ़ लिख के भाई कुएं में डाल दो पढ़ाई को। केस नंबर 4। साजिदा इज अ टीचर हु इज अ प्राइवेट सेक्टर अर्निंग एज मच एज हर हस्बैंड डैड। बोथ ऑफ देम आर बैक होम फ्रॉम ड्यूटी एट 3 PM। देन साजिदा स्टार्ट आर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही कुक, क्लीन, वॉशेज, डज अर्निंग एंड टीच हर चिल्ड्रन ऑल विदाउट एनी हेल्प। शी गोज टू बेड एट 12:30 एट नाइट एंड वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग टू कुक फॉर द डे एंड हेल्प हर 4 चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर अ स्कूल।
The husband doesn't help her at all these chores. At every first of new month, she handed all over his salary to her husband and decided how the money, and he decided how the money is to be spent. ये भी एक बहुत ही कॉमन सा केस है. केस नंबर 5, शायदा इज अ बैंकर, अ ब्रांच मैनेजर. आफ्टर हर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस शी इज अ कैंडिडेट फिट फॉर अ प्रमोशन ऑफ एन एरिया मैनेजर, बट एवरी टाइम अ प्रमोशन इज एक्सपेक्टेड, सम मेल मैनेजर इज चूजन द बैंक ऑफिसर फॉरन पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग टू एफिशियंट एम्प्लॉयज एवरी ईयर, बट शाहिदा इज नेवर सिलेक्टेड. नाउ शी बिलीव दैट शी विल नेवर बी एबल टू राइज टू अ हाईएस्ट रैंक इन हर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल दीज केसेस. अच्छा, यहाँ पे एक औरत है जो कि एक अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन जब कभी प्रमोशन की बात होती है तो मेल्स को तरजीह दी जाती है और उसे नहीं दी जाती. इस तरह वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि शायद मैं मुझ में ही कुछ कमी होगी. ऑल दीज केसेस प्रेजेंट एक्सपीरियंस दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फीमेल्स अंडरगो नॉट ओनली इन अवर सोसाइटी बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन अवर डिस्कशन ऑन जेंडर एंड वर्क वी विल सी हाउ डिफरेंट इंडिपेंडेंस ब्लॉक्स वुमन्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें अभी ये देखना है कि क्यों ये सब चीजें आती हैं, क्या वजूहात होती हैं जो ऐसे सिचुएशंस बिल्ड होती हैं. बस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्क. सबसे पहले हमें देखना है कि वर्क क्या होता है, फॉर्मल वर्क और इनफॉर्मल वर्क क्या होता है. वर्क क्या होता है? वर्क इज रेफर टू एन ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. इट रेफर टू अ फॉर्मल ऑक्यूपेशन और अ प्रोफेशन. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ वर्क ये नहीं होता कि आपने कहीं जाकर काम करना है. आप जो घर में जो औरतें काम करती हैं, हमारी मदर्स काम करती हैं, वो भी एक वर्क ही होता है. फॉर्मल वर्क वर्सेस इनफॉर्मल वर्क. फॉर्मल वर्क इज एन ऑक्यूपेशन दैट इज लर्न आफ्टर फॉर्मल ट्रेनिंग एंड लर्निंग इज अ स्किल, अ मीन ऑफ अर्निंग इनकम फॉर द पर्सन. परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिक वर्क प्लेस एंड परफॉर्म ड्यूरिंग स्पेसिफिक वर्क. और अच्छा, फॉर्मल वर्क वो होता है जो जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई ऑफिस में जाकर काम करता है. दैट रेफर टू अ फॉर्मल वर्क. दैट इनफॉर्मल वर्क क्या होता है? ऑल वर्क इज नॉट फॉर्मल. पीपल वर्क इनफॉर्मली टू. मोस्ट वुमेन्स इंडल्ज इन अ इनफॉर्मल वर्क, हाउस वर्क. वुमेन्स इनफॉर्मल वर्क इज नॉट पेड. उनके उस बात के लिए उन्हें पे नहीं किया जाता जो वो सारा दिन कुकिंग करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सफाई करती हैं. और फिर जो कि फॉर्मल वर्क है वो तो जस्ट 8 घंटे या चलो 9 घंटे होता है, लेकिन इनफॉर्मल वर्क 24 घंटे चलता रहता है. या 24 घंटे नहीं, अगर आप ना भी कहें तो कम अज कम आप ये 16 घंटे जरूर चलता है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क कम्बाइंड. इन केस ऑफ अ मोस्ट वर्किंग वुमेन दे आर इन्वॉल्व इन बोथ टाइप ऑफ वर्क. दे वर्क इन द वर्क प्लेस एज वेल एज होम. वुमन एम्पावरमेंट क्या होती है? ब्रिंगिंग पावर टू अ वुमन, मेकिंग वुमन पावरफुल, फैसिलिटेटिंग ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ अ वुमन. वुमन एम्पावरमेंट कैन बी इकोनॉमिकली, सोशली, लीगली और पॉलिटिकल. अब वुमन एम्पावरमेंट किन किन कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है वो ये बता रहे हैं. इन एन एम्पावर्ड वुमन मेक्स आर कैन मेक हर ओन लाइफ डिसीजन एंड इज अ सेल्फ रिलायंट. क्योंकि एक वुमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो बात यहाँ पे वो कर रहे हैं दैट कि एक जो वुमन एम्पावरमेंट एम्पावर या फिर पावरफुल वुमन होती है वो अपने फैसले खुद लेने की हकदार होती है. देन देख लेते हैं यहाँ पे आगे उन्होंने केसेस को डिफाइन किया हुआ है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं. गोइंग बैक टू अवर केसेस वी सी दैट इन केस वन में क्या था? शामीन हु वॉज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू हर स्टडीज. Her very initial opening to empowerment was blocked. No education, no hope for empowerment. उसके पास अब कोई भी है ना, तो उसे पढ़ाया जाता है. वो जब स्टार्ट में खुद नहीं पढ़ी, उसने आगे जाकर एक पूरी जनरेशन को लेकर चलना है जो कि एक उसके लिए एक ब्लॉकेज है. In case two, Saima is an educated but not allowed to work. She is capable of equipped with the knowledge and skill, but the family is not permissive of her attaining self-reliance. She was dependent on her parents, therefore had to obey them. In case of 3, Dr. Saira was already working, earning when she got married, but family social pressure put her empowerment at an end. Case 4 mein kya tha? An example of a modern movement doing multiple roles. The family and the significant other of a permissive of her job, but nobody bothered to share her additional load. Kisi ko koi parwaah nahi hai ki wo
काम करती है बाहर जाकर भी और घर में करती है, अगर वो इस पे गिला भी करेगी तो लोग उसे कहेंगे भी छोड़ दो जॉब, हम ने तुम्हें थोड़ी कहा है कि जॉब करो। इन स्पाइट ऑफ द अदर फैक्ट शी इज वर्किंग एंड अर्निंग, शी इज नॉट एम्पावर्ड सिंस शी डजंट हैव अ कंट्रोल ओवर हर ओन अर्निंग। क्यों वो एम्पावर्ड नहीं है हालांकि वो जॉब भी करती है, क्योंकि उसे अपने ही जॉब के पैसे खुद खर्च करने की भी आजादी नहीं है। इज नॉट द डिसीजन मेकर इवन इन केस ऑफ हर ओन लाइफ। इन केस फाइव साजिदा केस द इशू इज नॉट फैमिलियल और सोसाइटल एटीट्यूड्स बट द सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हिंडर हर प्रोमोटिंग एंड राइजिंग अबव हर मेल कॉलेजियस। शी इज एक्सपीरियंस द ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट वो होता है कि आपके सामने पड़ी हो कोई चीज लेकिन आपको उस तक रसाई हासिल ना हो। दैट ग्लास सीलिंग इफेक्ट को हम अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। The purpose of describing the cases is to sanitize you about the different barrier of woman empowerment and their very existence as human being. Human beings are born with a free will and the basic goodness. All humans being should have equal rights, equal treatment and equal opportunity to perform at their optimum level. And one last work about the housewife. They very little suggest that she doesn't work. हर कोई कहता है कि वो काम नहीं करती जबकि वो सबसे ज्यादा काम करती हैं। But comparing work or a housewife work an average more or than an average man does. A man in our culture work around 8 hours a day and usually not on weekends. But they so called non-working women work for around 12 hours a day and no weekend too. तो ये बातें समझने वाली हैं और ये बातें आप लोगों की लाइफ में आपने बहुत से ऐसे केसेस अपने घर में देख लें, आप अपनी मदर को देख लें, वो ये सारे जो केसेस हैं ये सारे हमारी अपनी सोसाइटी से रिलेटेड हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया हो, बहुत ही इजी सा और सिंपल सा लेक्चर था। टिल देन अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।